जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन, बड़ी खुशखबरी। सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन 2024 5100 बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग लाडली दिव्यांग पेंशन आएगी सभी बुजुर्गों के खाते में। आपको बता दिया जाए, हरियाणा में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सबसे बड़ा बदलाव सभी महिलाओं के खाते में कल ही आ गई थी 5100 बुढ़ापा पेंशन। जिनके खाते में नहीं आई है तो उनके बैंक वाइज गड़बड़ी होने के कारण उनके खाते में समय पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसको लेकर के नायब सिंह सैनी ने पहले दिन ऐलान करते हुए कहा था कि बढ़ोतरी बुढ़ापा पेंशन में आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के पहले देखने को मिलेगी। वाकई में ये सही भी हुआ है। हरियाणा में मिलने वाली सामान्य राशि बुढ़ापा पेंशन में भारी बढ़ोतरी इसी महीने रक्षाबंधन से पहले कई बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन की राशि पहुंच चुकी है, और जिनके नहीं पहुंची है उनके हर हालत में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। समाज कल्याण विभाग से सारी की सारी पेंशन का लेटर जारी कर दिया गया है, अब वो बुजुर्गों के खाते में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगी। और कई बुजुर्ग ऐसे हैं उनके खाते में पहुंच चुकी है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सच में उनकी बुढ़ापा पेंशन पहुंच चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि अभी हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की राशि नहीं डाली है, जबकि सभी की खाते में 10 तारीख से डालनी शुरू कर दी गई थी 10 अगस्त से, और ये निर्णय हुआ था कि रक्षाबंधन से पहले पहले सभी के खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन कई बुजुर्गों के बैंक वाइज गड़बड़ी होने के कारण उनके खाते में बुढ़ापा पेंशन शो हो रही है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं।